इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें ऑन ऑफ एनिमेशन करेंगे। स्क्राइडर सॉफ्टवेयर ये ओपन हो गया है और लेफ्ट टॉप पे ऐड बटन दिया हुआ है। यहाँ से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम देना होगा माय प्रोजेक्ट वन, या मैं नाम दे देता हूँ। माई प्रोजेक्ट वन आ गया, इसको क्लिक करना होगा ताकि ये प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाए। मेक एक्टिव को क्लिक करना होगा। माई प्रोजेक्ट वन एक्टिव हो चुका है। बाय डिफॉल्ट आईओ सर्वर वन, अलार्म सर्वर वन, ट्रेंड सर्वर वन और रिपोर्ट सर्वर वन क्रिएट है रहता है, और इसमें यहाँ पर आने पे आप देख रहे हैं इक्विपमेंट वेरिएबल्स अलार्म ट्रेंड, और ये हम लोग वेरिएबल्स में क्लिक करेंगे। ये टैग नेम है, हम लोग टैग क्रिएट कर लेते हैं। टैग वन ये टैग का नेम दे देते हैं। डिफॉल्ट का क्लस्टर वन। आईओ डिवाइस हम लोग इंटरनल टैग बनाते हैं, और ऑन ऑफ एनिमेशन चेक करने के लिए मुझे डिजिटल टाइप चाहिए होगा टैग। इसी प्रकार से एक और टैग बना लेते हैं, टैग टू, जिसका नाम देते हैं क्लस्टर वन इंटरनल और डिजिटल टाइप टैग है। अब ग्राफिक्स बिल्डर में एक पेज क्रिएट करते हैं हम लोग। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पेज, ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं चेक करने के लिए। और यहाँ पर सपोज कीजिए हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और फिल ऑप्शन चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर फिल ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोगों को ऑन ऑफ और टैग देना होगा, और हम लोग यहाँ पर टैग वन लिखेंगे। और क्योंकि कोई स्पेलिंग फॉर्मेट मिस्टेक ना हो टैग लिखने में, तो इसका बेस्ट तरीका है इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। और टैग वन ये जो टैग है इसको कॉपी कर लेते हैं और ग्राफिक्स बिल्डर में यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर सिंबल सेट को क्लिक करते हैं तो उसकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा सिंबल सेट प्रॉपर्टीज़ की, और यहाँ भी ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है और ऑफ सिंबल, ऑन सिंबल, तो हम लोग सेट करते हैं और एक ऑप्शन चूज करते हैं इसमें से। ये वेरियस चीज़ें दी हुई हैं तो हम लोग लाइट्स ही लेते हैं, इसलिए लाइट्स एक्स्ट्रा लार्ज, ये ग्रिल लेते हैं ऑफ के लिए, और ऑन कंडीशन के लिए इंडिकेशन ले लेते हैं। लेट दिस बी येलो। और यहाँ पर हम लोग टैग दूसरा टैग दे देते हैं, इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी हम लोग लिख भी सकते हैं बट यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुआ, टैग टू। ओके, अभी इनका टैग का वैल्यू चेंज करना होगा, उसके लिए हम लोग एक बटन क्रिएट करते हैं और टैग वन फॉन्ट थोड़ा उसका बड़ा ले लेते हैं। तो ये देखिए बटन क्रिएट हो गया टैग वन का, और इसको क्लिक करने से मैं चाहता हूँ वो वैल्यू चेंज हो जाए। तो इसके इनपुट कंडीशन में आते हैं और इसमें कमांड यूज़ कर सकते हैं toggle टैग वन।
टॉगल एक फंक्शन है, जैसे ये वैल्यू इसको चेंज कर देगा, जीरो होगा तो वन कर देगा और वन होगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से दूसरा टैग टू के लिए बनाते हैं, तो इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं और इसमें जो है टैग टू लिख देते हैं और अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैग टू लिख देते हैं। तो ये देखिए दो बटन्स बन गया है वैल्यू चेंज करने के लिए, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। माई पेज वन, माई प्रोजेक्ट में माई पेज वन मैंने एक नया पेज क्रिएट किया, इसको सेव करते हैं इस नाम से। अब इसमें हम लोग कंपाइल करते हैं इसको, रन करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट रन हो गया है, तो देखिए ये दोनों टैग वन और टैग टू ऑफ कंडीशन में, इसको हम लोग क्लिक करते हैं टैग वन को। टैग वन में टॉगल ऑप्शन दिया होता है तो इसकी वैल्यू चेंज हो गया है और ये ऑन ऑफ एनिमेशन आप देखिए हो रहा है। सिमिलरली टैग टू को में हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ऐसे ऑन ऑफ एनिमेशन सीखा हुआ है इंटरनल टैग यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एनिमेशन सीखेंगे।